सर आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे बताएं इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप संडे को मेरे पास आए हैं, क्योंकि संडे को आदमी आराम करता है, घर पे रहता है, लेकिन मेरे शादी पे आप आए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। सही है भाभी, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। मैं भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। सही, जैसे वो कह रहे हैं कि संडे वाले दिन बहुत मुश्किल होता है लाहौरियों को बाहर लाना, तो आप भी आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। इंतहाई शुक्रिया आपका। सारी जितनी भी हमारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं उनको तो ऐसे ही मर चाहिए ना, जो उनको इंडिपेंडेंस उनकी वैसी ही रहे। मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं करती रहूँ और उसी तरह ही कॉन्फिडेंट रहूँ जैसे पहले थी। हमारे यहाँ तो डॉक्टर भी बन जाएँ तो घर बैठ जाती हैं और सारा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में, और मुझे लगता है कि ये सारा इनका कमाल है कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो फ्रेंड्स से इनकी लर्निंग हुई है ना, सही जेंटलमैन वहाँ से बन के आए हैं, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें ही लेकर आए हैं, और ये मिक्स कल्चर जो है ये मेरे तो बहुत फायदे में है इंशाल्लाह। अच्छा, दोनों का प्रोफेशन तो अलग अलग था, तो इन फ्यूचर को दोनों का कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा प्रोफेशनली। इनको किसी लेक्चर की जरूरत नहीं। हाँ, मैं इनसे शायद गाइडेंस लूंगा। मैं इनसे गाइडेंस लेती रहूंगी। ही इज अ लिविंग लेजेंड। लेकिन हम मिलके आपस में जो प्रोजेक्ट मिलके, मतलब जो गरीबों के लिए मैं काम है, सुबह हम दोनों गए दाता साहब वहाँ पे जाके हम देखे देखे आए हैं, क्योंकि वहाँ से मैं शुरू अपनी लाइफ मैंने वहाँ से शुरू की थी, ठीक है ना। तो सुबह जाके देखे आए, जाने से पहले फिर जाऊँगा जान, क्योंकि मैं हमेशा ना जब पाकिस्तान आता हूँ ना, सबसे पहले मैंने दाता साहब जाना होता है, आके जाने वापस जाने के से पहले भी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ वहाँ से गुजारी हुई है। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं लंगर वहाँ पर खाता था, तो रियल लाइफ जो है ना वो अल्लाह ने वो हमें दी हुई है। अच्छा, मेरा साहिबा क्या कहेंगे, कितना खुद को लकी फील करती हैं कि एक ऐसे आइकन के साथ आपकी शादी हो गई है, जो कि दुनिया भर के लिए रोल मॉडल हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमेशा आवाज़ भी बने हैं। इसके साथ साथ वो उनका जो तारुफ हो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि फ्रेंच वो डिज़ाइनर भी हैं और लड़कियां उनके जो ट्रेंड्स हैं वो वेयर करती हैं। कितना गुस्सा आएगा। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, इतनी एजुकेशन के बाद यही तो सीखा है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ में होता है और इनकी प्रोफेशनल लाइफ का मुझे पता भी है ऑब्वियसली। लकी मेरा ख्याल है कि मुझे पहले एज ए ह्यूमन बीइंग इनको देखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी मैं उसको। उसके बाद ये तो एक एडिशन में एक अच्छी बात है ना, कि वो मेरे हस्बैंड एक लिविंग लेजेंड हैं, जो भी हैं वो तो एक आगे की बात है। ड्रेस आपका जो डिज़ाइन किया है वो भट्टी साहब ने किया? नहीं, डिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, लेकिन आई थिंक गाइडेंस, नहीं बनवाया तो इन्होंने ही है यहाँ से कहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो उनकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, तो मैं जाहिर है जिस तरह का ईस्ट फ्रंट पहनना चाह रही थी, फिर इन्होंने यहीं कहीं से डिज़ाइन करवाया। अच्छा, भट्टी साहब का मशहूर कि इस्लाम में चार शादियों की मर्द तो आप बताएं इनका जवाब। मैं आप ये इसको मैं जवाब देते रहता हूँ, मुझे पता है। देखिए, इन्होंने ना लाहौर से अपना स्टार्ट किया, पाकिस्तान से पूरी दुनिया घूमी, एंड भी इनका आप पाकिस्तान में देख लें, और ये बस यही इनकी लाइफ है, यही इनकी वाइफ है, बस। मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना चार शादियाँ, एक औरत को रखना बड़ा मुश्किल चीज़ है, चार तीन आदमी कैसे चार को रख लेंगे, एक आदमी कैसे, एक आदमी एक औरत की पूरी उसको टाइम दे, उसकी इज्जत करे, उसको एलिगेंस करके दिखाए, वो सबसे जरूरी है। चार आदमी, वो आदमी क्या करेगा उसको। नहीं, आपने कहा था आज से चंद रोज कबल के अब मेरी वही शादी है, इससे बाहर नहीं। मैंने इनके प्रोग्राम पे टीवी पे मैंने कहा था, इन्होंने मुझे पूछा था, मैंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि अब जो मोहब्बत होगी वो आखिरी होगी और वहीं पे मैं एंड करूंगा, वहाँ पे शादी होगी, उसे जीवन साथी चुनूंगा। इंशाल्लाह मेरी एंड ऑफ लाइफ इनके साथ ही गुजरेगी, इंशाल्लाह। भट्टी साहब, ये बताइए, आपने कहा मीडिया में अब इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई फलाही कामों में तो इकट्ठे जाएंगे आप लोग? नहीं, जो फ्लाई काम होगा तो डेफिनेट उस पर जाएंगे, जो शार्टी काम, जो मुझे शौक है उन चीज़ों का ना, तो इससे भी मैं हेल्प लूँगा, कैसे हमने करना है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे लोगों को स्पॉन्सर बच्चों को करना है, यतीम बच्चों को, इधर सारा अल्लाह में वो मुझसे करवाता रहे। उस वजह से आपके माइंड में कोई ऐसा एंगल है कि जो आप चाह रहे कि सोशल वेलफेयर इस वाले से कुछ? नहीं, पहले भी मैंने किया था, मैं तो इनके सब टीवी प्रोग्राम पे मैंने कहा था, मैंने मुल्तान रोड पे यतीम खाने के लिए ज़मीन ली थी, वो पकड़ के किसी और ने अपने नाम पर करवा दी, अल्लाह करे ये अदालतों के जल्दी फैसले हों, वो चक्कर ना लगाते रहे सारी उम्र, मेरी ज़िंदगी में उसका फैसला हो के यतीम खाना बनाए, वहाँ पर एक मकबरा ज़मीन है,
तो गरीब यतीम खाना बना के मैं चले जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने शादी पे लोगों के, मुझे बड़े लोगों के तोहफे और चीज़ें आई हैं, मैंने उनके मुझे जो आपने मुझे देना ना जाके यतीम खाने में दे रहे हैं। अच्छा मैडम, आपकी अरेंज मैरिज है और भट्टी साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, तो आपकी शादी से कबल तो आप इनको जानती होंगी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में? मैं भी वैसे बहुत कम जानती थी और मेरी फैमिली को भी इतना नहीं, क्योंकि हमारा फैशन से नहीं है, प्रोफेशन नहीं था इतना, और इतना कभी पढ़ा नहीं था। लेकिन जब ज़ाहिर प्रपोज़ल आया और पढ़ा और फिर इनके इतने प्रोग्राम मैंने देखे, वहीं से मुझे, मेरा ख्याल है कि मैं लकी इस लिहाज से हूँ कि